क्या भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच करने की होगी हिम्मत? ममता ने की आईटी अधिकारियों को दी खुली चुनौती, पीएम को भी दी सफेद पत्र लाने की चुनौती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ बिहार के रास मेला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ बिहार लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया के समर्थन में रैली की। रास मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 100 दिनों के काम का पैसा रोक कर रखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने 100 दिन के काम का पैसा रोक कर संविधान का अपमान किया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि पहले दौर के चुनाव में 3 दिन बचे हैं, अगर ताकत है तो बंगाल में भ्रष्टाचार को सफेद पत्र प्रकाशित करके दिखाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आयकर अधिकारियों को भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच करने की चुनौती दी है। दरअसल इससे एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि आईटी अधिकारियों ने पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए गए हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर छापेमारी की है। बनर्जी ने कुछ बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले टीएमसी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि आयकर अधिकारियों ने छापेमारी की और ट्रायल रन से पहले अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन आईटी अधिकारियों ने दावा किया कि हमारे पास इनपुट थे कि हेलीकॉप्टर में पैसा और सोना था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हम ऐसे कृत्यों में शामिल नहीं होते, बनर्जी ने कहा। यह भाजपा है जो ऐसी चीजों में शामिल है, लेकिन क्या केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी कभी भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच करने की हिम्मत करेंगे? तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उसके महासचिव अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर पर कोलकाता के बिहाला फ्लाइंग क्लब में आकर अधिकारियों ने छापा मारा और आरोप लगाया कि यह विपक्षी उम्मीदवारों को परेशान करने और डराने धमकाने की भाजपा की जानबूझकर की गई चाल का हिस्सा था, जिनके साथ वे राजनीतिक रूप से जुड़ नहीं सकते। আমার অনেক অনেক প্রণাম, আমার সালাম, আমার দণ্ডবত, আমার নমস্কার, আমার জোহার আমি সবাইকে জানাই। মা বোনেদের জন্য আমার অনেক অনেক প্রণাম, অনেক অনেক সালাম, অনেক দণ্ডবত, অনেক জোহার, অনেক নমস্কার থাকল। আমার ছাত্র যুব ভাই বোনেদের জন্য আমার অনেক ভালোবাসা রইল। আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা যারা সম্প্রতি ঈদ পালন করেছেন, তাদের খুশি ঈদ খুশির আলোকে আলোকিত করে দিই আর অন্ধকার থেকে আলোতে সবাইকে নিয়ে আসুক তার প্রার্থনা করব। শুভ নববৈশাখ, এসো হে বৈশাখ, এসো এসো। একদিকে তপ্তদগ্ধ গরম, অন্যদিকে প্রলয় ঝড় ঝঞ্ঝা, তার মধ্যেও গরমেই আমাদের ভোট করতে হয়, কারণ এটা আমরা ঠিক করি না, এটা ইলেকশন কমিশন ঠিক করে, বিজেপির সাথে কথা বলে ঠিক করে। যতদূর আমরা জানি আমাদের সাথে কথা বলতে ঠিক করে না, কিন্তু আমরা মেনে নিই, মেনে নেওয়া কর্তব্য বলে তাই। আজকে আমার সাথে আমার সাথী উদয়ন অরূপ বিশ্বাস, আমাদের দীর্ঘদিনের পুরনো সম্মানীয় শ্রী বীরেন্দ্রনাথ বর্মন, আমাদের সাথে জগদীশচন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া, যিনি আমাদের নিপাট ভদ্রলোক প্রার্থী কুচবিহারে, যিনি জিতবেন আপনাদের আশীর্বাদে, শুভেচ্ছায় দোয়ায়। রবি আমার চিরকালের পরিচিত, চিরকাল রবি জলিল, এরা সকলে আমার সাথে কাজ করছে, পার্থ সকলে, বংশীবদন বর্মা, ওদিকে আমার বিনয়, বিনয়কেও আমি চিরকাল চিনি, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, পরেশ অধিকারী, অনেক সুমিত, অনেক ইম্পর্টেন্ট লিডার, সুমিতা বর্মন, নিরঞ্জন আমার পুরনো দিনের সহকর্মী, বংশীবদন বর্মন,
অধীর রায় সহ আরও অনেকে মঞ্চে বৈষ্ঠ আছে। সবার নাম বলতে গেলে হয়তো আমার সময় চলে যাবে, তাই আমি সবার নাম করে বলবো। এখানে খোকন মিয়াও আছে, আমিনা আহমেদও আছে, চন্দনা ভৌমিকও আছে, রাকেশ চৌধুরীও আছে, সঙ্গীতাও আছে, মাধবীও আছে, সকলেই আছে। হয়তো একটা দুটো নাম আমি না বলতে পারার জন্য আমি সবাইকে বলছি, এখানে আগত সকলকেই আমি অ্যাড্রেস করছি, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निस्केसा हो पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड र धेरै पुरस्कार हरू टिकट को दाम मात्र 500 रुपया ड्रॉ हुन्छ 20 अप्रैल पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024 To enhance Sikkim's healthcare sector, the BJP will establish a regional institute of medical sciences with world-class facilities. This 19th April, vote for BJP.